तो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं, फर्स्ट ऑन फर्स्ट जाइए तस्वीरें, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद अब सभी देव दर्शन कर रहे हैं, अपने अपने आराध्य की प्रार्थना, उनका धन्यवाद। वासुदेव देवनानी जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंबे समय के साथ उनकी जिम्मेदारी, उनके अनुभव, जिसका लाभ पार्टी अब और सदन अब विधानसभा स्पीकर के तौर पर उठाएगा। ये देखिए, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के दर पर पहुंचे हैं और मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे वासुदेव देवनानी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट संध्या पर ये तस्वीरें, और ये देखिए श्री गणेश के दर्शन आप भी कीजिए, क्योंकि ये देखिए सबसे पहले जहन में ही आता है कि सबसे ऊपर, सबसे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, जिनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ काम शुरू नहीं हो सकता, और किसी भी काम में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। वासुदेव देवनानी पहुंचे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, भगवान श्री गणेश के दर पर पहुंचकर नतमस्तक होकर दर्शन तो कर रहे हैं, और भगवान श्री गणेश का ये चोला भी महंत वासुदेव देवनानी को अब ओढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, भगवान श्री गणेश के दर पर पहुंचे हैं वासुदेव देवनानी, नई जिम्मेदारी के साथ अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वहन वो करें, सदन सुचारू चल सके, जनता के हित से जुड़े हुए काम हो, और जो भूमिका पार्टी ने उन्हें दी है, ये देखिए तस्वीरें, भगवान श्री गणेश का ये चोला ओढ़ा दिया है, सर पर हाथ महंत कैलाश शर्मा ने रखा, विजयी भवे उस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और वासुदेव देवनानी भगवान श्री गणेश के दर्शन कर रहे हैं। आप भी कीजिए पसंजा के जरिए प्रथम पूज्य जन जन के आराध्य है भगवान श्री गणेश के दर्शन, मोती डूंगरी गणेश मंदिर के ये दर्शन करने पहुंचे वासुदेव देवनानी, जो कि प्रोटेम स्पीकर राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर वासुदेव देवनानी पहुंचे हैं भगवान श्री गणेश के दर पर, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हालांकि जब सब लगातार उनसे उनकी जिम्मेदारी क्या दी जाएगी, क्योंकि लंबा अनुभव उनको रहा है, एक बार फिर से उन्होंने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की, तभी से ये अटकलें लगना शुरू हो गया था। हालांकि ये चीज़ स्पष्ट नहीं थी और ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ही था, क्योंकि इससे पहले संगठन में उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा था, क्योंकि वो कहते हैं हमेशा कि अनुभवों के आधार पर, ये तो उन्हें मालूम था कि संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी और वो तैयार है किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, लेकिन विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी उनके लिए नहीं है, और विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी निभाने के लिए वो भी उत्सुक है, एक्साइटेड है, सदन को सुचारू तरीके से चलाना, सदन की मर्यादा को बनाए रखना, ये कई सारे महत्वपूर्ण कार्य सदन में, जो विधायी कार्य होने वाले हैं उसमें भी विधानसभा स्पीकर की भूमिका, और एक तरीके से राजस्थान के हिस्से में जितनी भी मजबूत चीज़ें आएंगी वो गुजरेंगी राजस्थान विधानसभा से होकर, और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर पहुंचे हैं वासुदेव देवनानी। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डिप्यूटी सीएम दिया कुमारी भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची वासुदेव देवनानी के साथ मुलाकात कर रही हैं, क्योंकि नई जिम्मेदारी कल पार्टी ने इन दोनों को ही दी, और ये बेहद खास तस्वीरें, दिया कुमारी पहुंची है प्रथम पूज्य के दर पर, इससे पहले गोविंद देव जी के शरण में पहुंची थी वो, और उसके बाद राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अब पहुंची है प्रथम पूज्य श्री गणेश के दर पर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंच करके आशीर्वाद, इससे पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और अब दिया कुमारी पहुंची हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर। ये देखिए तस्वीर, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हैं और ठीक श्री गणेश के सामने नतमस्तक होकर ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जो वो दर्शन करने के लिए पहुंचे, बेहद खास तस्वीरें भगवान के सामने, फर्स्ट ऑन फर्स्ट संध्या ये तस्वीरें, मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा शुभकामनाएं उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए दे रहे हैं, और दिया कुमारी अब यहाँ पर बैठकर भगवान श्री गणेश को निहार रही हैं।
भगवान श्री गणेश के चरणों से भगवान श्री गणेश का चोला उठाकर दिया कुमारी अपने मस्तक पर लगा रही हैं। महंत ने उन्हें भगवान श्री गणेश के चरणों से सिंदूर दिया, टीका उन्होंने अपने सर पर लगा लिया है। विजय टीका से पहले वो पहुंची थी गोविंद देव जी के मंदिर और वहां पर रक्षा सूत्र बांधा और ये भगवान श्री गणेश का चोला दिया कुमारी जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है उन्हें भी ओढ़ाया गया, टीका लगा लिया है, भगवान का आशीर्वाद ले लिया है। दिया कुमारी नई जिम्मेदारी के साथ अब सभी के बीच में सामने आएंगी क्योंकि यंग है, फ्रेश चेहरा है, इंथुजियास्टिक है, पॉपुलर है, लोगों के बीच में जब जब पहुंचेंगी तब तब इम्पैक्ट उनकी बातों का रहेगा क्योंकि जिस परिवार से वो आती है जयपुर का राज परिवार। दिया कुमारी की तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी से पहले विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी वहां पर पहुंची और उन्होंने भी प्रथम पूज्य के दर पर शीश नवाया, दर्शन किए और आज इस तरह की तस्वीरें आप देखते रहेंगे। सुबह में आपने देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सांगा बाबा मंदिर पहुंचे, जैन मंदिर पहुंचे, दर्शन किए और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर की तस्वीरें उन्होंने भी दर्शन किए, ये देखिए तस्वीरों समय की, और उसके बाद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भगवान श्री गणेश के दर पर धन्यवाद देने के लिए, शुभकामनाएं लेने के लिए, जिम्मेदारी की भूमिका की नई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिली है उस पर खरा उतरे, इसकी जिम्मेदारी उनको मिल गई है, इसकी शुभकामनाएं लेने के लिए, भगवान से आशीर्वाद लेने वो प्रथम पूज्य के दर पर पहुंची। दो अलग अलग तस्वीरें और आज दिन भर भले वो देव दर्शन का दौर हो या फिर लोगों के साथ में लोगों के बीच पहुंचकर धन्यवाद देने का जो साथ रहा इन चुनावों में, बेहतरीन प्रदर्शन दिया कुमारी जिन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है, उनके नाम ये भी रिकॉर्ड है कि राजस्थान के इस विधानसभा चुनावों में दिया कुमारी ने 199 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा मार्जिन में जीत दर्ज की। दिया कुमारी जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है वो पहुंची भगवान श्री गणेश के दर पर, दिया कुमारी पहुंची और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वासुदेव देवनानी की, राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी पहुंची, दोनों की जिम्मेदारी नहीं, दोनों की जिम्मेदारी नई, दोनों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर। उत्तराखंड का अरे जितने प्रभारी लगे हुए थे उन सब का भी और पूरे प्रदेश की जनता का भी कि मुझ पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और बिल्कुल बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। अभी मैम पोर्टफोलियो नहीं हुआ है लेकिन जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा क्योंकि डिप्टी सीएम को उसको किस तरीके से निभाएंगे क्योंकि सवाई माधोपुर में आपने जनता से जो वादे किए वो निभाए, राजसमंद में किए, अब विद्याधर नगर नई सीट थी सबसे ज़्यादा वोटों से आप जीत रहे जी। नहीं नहीं ये तो बिल्कुल आज जो मैं जहाँ तक यहाँ तक पहुँची हूँ मैं पूरा श्रेय तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मेरे प्रदेश की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझ पर हमेशा विश्वास जताया है, उनके आशीर्वाद समर्थन से मैं इतनी आगे पहुँची हूँ और आगे भी मेरे लिए प्राथमिकता रहेगा कि सबके काम करूँ मैं, जो भी विभाग दिया जाएगा वो तो सब आगे की योजना है लेकिन अभी तो बिल्कुल सब लोग काम करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और पूरी टीम मिलकर हम लोग सारे काम करेंगे, जितने भी काम हैं बहुत सारा काम राजस्थान में है क्योंकि कांग्रेस के 5 साल तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ राजस्थान में लेकिन अब बहुत कुछ होगा मोदी जी के नेतृत्व में, हम सब काम करेंगे। महिलाओं पर आपने फोकस रखा, महिला अत्याचार हुए कई, इसको लेकर क्या रहेंगे मैम, अब तो जिम्मेदारी आपको भी मिल चुकी है हालांकि आप पहले तक आप सवालों को नकारती रही थी। नहीं नहीं महिला अत्याचार बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर पूरी तरह से बहुत ही गंभीरता से काम किया जाएगा, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए वो सब चीज़ें एक प्रॉपर प्लानिंग से होगा काम। अभी तो
स्वेरिंग इन भी है, तो उसके बाद सब कुछ ही आपको सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हम लोग करने वाले हैं। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोग महिला अत्याचार पे कोई भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा पूरी तरह से। पेट्रोल डीजल को लेके क्या उसके दाम कम हो, ये सब बातें अभी आगे आगे आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। अभी तो सरकार बनना है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो सिर्फ नाम घोषित हुए। मैम 15 तारीख को शपथ ग्रहण है, ये मैसेज है, अभी सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। जी मैम, ये दिया कुमारी। दिया कुमारी को आप सुन रहे थे, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री